इस बार इंडिया हर चीज में नंबर वन है यार। टेस्ट में नंबर वन, T20 में नंबर वन, ODI में नंबर वन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नंबर वन। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मैं देखता हूं इंडिया T20 फॉर्मेट में नंबर वन, टेस्ट में नंबर वन और भी चीजों में नंबर वन चले। ठीक है, इंडियन टीम सब जगह नंबर वन होती है, चले पाकिस्तान से मैं कहता हूं यहां मुकाबला करे, लेकिन नसीब भाई और भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये कभी नंबर वन पे नहीं आती है, इंडिया ही क्यों रहती है? भाई अगर मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अंपायर इंग्लैंड बाहर से अंपायर आया हुआ है वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे ही मुल्क में मेरी कंडीशन में सीरीज हो रही है, मैं इतनी इतनी ऐसी पिचेस बनाता हूं कि गेंद इतना इतना ब्रेक हो रहा हो, तो वहां पर तो जाहिर है मुझे ही एडवांटेज होगा। तो वो जो एक टैग है ना इनके ऊपर घर के शेर, वो इसलिए था कि अपने मुल्क में सबको हराते थे, बाहर जाके हार रहे होते थे तो घर के शेर कहलाते थे। उन्होंने कहा ठीक है पहले हम 50% बाहर जाके खेलते थे, अब 75% खेलेंगे ही अपने मुल्क में, हराओ हमें आके, तभी पाकिस्तान नहीं आते। भारत जो है वो नंबर वन हो गया है तीनों फॉर्मेट में, आज जो रैंकिंग आई है, तो वो जो लोग रैंकिंग का शोर मचाते हैं उनसे जरा मैं चाहूंगा कि वो तवज्जा दें इस बात पर कि इंडियन क्रिकेट टीम क्यों तीनों फॉर्मेट पर जो है टॉप रैंक पर विराजमान हो। आज इनको ही नंबर वन, यही नंबर वन बनते हैं सारे एशियन इंडियन प्लेयर्स। हमारा परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस है, मेहनत है, स्ट्रगल है, एफर्ट्स हैं, दिखते हैं, जीत है, टेस्ट मैच की जीत है, टेस्ट सीरीज की जीत है, इस वजह से बनते हैं, वैसे थोड़े ही बन जाता है। ये होती है एक्सेलेंस कि आपकी टीम जो है वो हर जगह नंबर वन है, ये इंडिविजुअल प्लेयर से इतना मैटर नहीं करता यार। सबको घर बुला के फिर हराते हैं और फिर नंबर वन पे आते हैं, आए ना कभी पाकिस्तान, आए फिर हम देखते हैं जी कौन शेर और मेहमान नवाजी के लिए हम मेहमान नवाजी भी लगाएंगे और खुशबू लगा के आइए। हम कर क्या रहे, नहीं हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर नंबर पांच और छह रहने के लिए रह गए। मतलब खुद सोचो यार, इतनी वाहियात रैंकिंग, नंबर छह की पाकिस्तान की रैंकिंग है। एक जमाना था यार जब हम भी नंबर वन हुआ करते थे, हैं? अब अभी देखो नंबर छह पे आगे बैठे हैं, मतलब को घर। दोस्तों भारतीय क्रिकेट के धुरंधरों ने एक नई अचीवमेंट और ऐड कर ली है, भारत तीनों ही फॉर्मेट में नंबर एक की पोजीशन में आ चुका है। इससे पाकिस्तानियों को ऑब्वियसली मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तानी जो कि इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं क्रिकेट में। अगर बात करें पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज डावर की, तो डावर इस समय यानी कि बाबर आजम उन्हें कहा जाता है, कुछ दिन पहले अभी PSL में ही उन्हें जिम्बाबर भी कहा गया था, यानी कि जिम्बाबर के नारे PSL में लगाए जा रहे थे, जिसका कि बाबर आजम बुरा मान गए थे। और उसके बाद रही सही कसर वसीम अकरम ने पूरी कर दी थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं जिनको कि शाहीन अफरीदी कहा जाता है, उनको लताड़ दिया कि ये जो पाकिस्तान की जो PSL डूबी है ये तुमने डुबोई है, यानी कि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो। बाबर और शाहीन के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये दोनों। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मैं देखता हूं इंडिया T20 फॉर्मेट में नंबर वन, टेस्ट में नंबर वन और भी चीजों में नंबर वन चले। ठीक है, इंडियन टीम सब जगह नंबर वन होती है, चले पाकिस्तान से मैं कहता हूं नहीं यहां मुकाबला करे, लेकिन नसीम भाई और भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये कभी नंबर वन पे नहीं आती है, इंडिया ही क्यों रहती है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ स्कूलों में होता है ना कि जहां प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो तकरीरी मुकाबले में वही फर्स्ट आते हैं, हर पार्टिसिपेशन में वही फर्स्ट आते हैं, तो हर जगह ये इंडिया फर्स्ट कैसे आया था? और टीमें क्या कुछ नहीं कर पा रही? पाकिस्तान को हटा दें आप, इंडिया 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में, 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में, और इंडिया दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए मशहूर है घर के शेर। ये वो टीम है कि जिसके बारे में कहा जाता है घर के शेर। भाई अगर मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, अंपायर इंग्लैंड बाहर से अंपायर आया हुआ है वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे ही मुल्क में मेरी ही कंडीशन में सीरीज हो रही है, मैं इतनी इतनी ऐसी पिचेस बनाता हूं कि गेंद इतना इतना ब्रेक हो रहा हो, तो वहां पर तो जाहिर है मुझे ही एडवांटेज होगा। तो वो जो एक टैग है ना इनके ऊपर घर के शेर, वो इसलिए था कि अपने मुल्क में सबको हराते थे, बाहर जाके हार रहे होते थे तो घर के शेर कहलाते थे। उन्होंने कहा ठीक है पहले हम 50% बाहर जाके खेलते थे, अब 75% खेलेंगे ही अपने मुल्क में, हराओ हमें आके, तभी पाकिस्तान नहीं आते। अब समझा मैं। हाँ मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत सारी जगहों पर स्ट्रगल करते हैं। देखिए इंडिया की टीम अच्छी है, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहे कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, इंडिया एक इम्प्रूव टीम, लेकिन वो मैंने इंडिया की टीम को बुरा नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि नसीम भाई हर फॉर्मेट में भाई तुम ही नंबर वन हो, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये बेचारे किसी गिनती में नहीं आ रहे। ये तो पॉइंट आपने समझा दिया ना मुझे भाई। देखिए 75% आप उठा के देखें, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पहुंची हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पहुंची हुई है, न्यूजीलैंड की टीम इंडिया पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया पहुंची हुई है। इंडिया कितने टूर करता है वहां पे, एक टूर करेगा, दो साल में दो मरतबा उनको बुलाता है, सबको घर बुला के, घर के शेर, सबको घर बुला के फिर हराते हैं और फिर नंबर वन पे आते हैं, आए ना कभी पाकिस्तान, आए फिर हम देखते हैं जी कौन शेर और मेहमान नवाजी के लिए हम मेहमान नवाजी भी लगाएंगे और खुशबू लगा के आइए। आज इनको ही नंबर वन, यही नंबर वन बनते हैं सारे एशियन इंडियन प्लेयर्स। हमारा परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस है, मेहनत है, स्ट्रगल है, एफर्ट्स हैं, दिखते हैं, जीत है, टेस्ट मैच की जीत है, टेस्ट सीरीज की जीत है, इस वजह से बनते हैं, वैसे थोड़े ही बन जाता है। हासिल किया है इंडिया अक्रॉस फॉर्मेट्स
चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो चाहे T20 हो, नंबर वन है कंसिस्टेंसी के साथ जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, आपका जब पूरा यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है एक यूनिट बनकर सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस आती है, फिर आप वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग्स के अंदर आते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पैशन के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दिल जमी के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पीछे आप ही सोच रहे होते हैं कि पीछे तनख्वाह है, पीछे कोई डॉलर है, नहीं अब मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और जब आप मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना मोहसिन भाई, जब आप मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर रिजल्ट इस तरह के आते हैं। आप रिजल्ट नहीं ला सकते, आप रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम नहीं बना सकते। आप इंडिविजुअल तो रिकॉर्ड बना सकते लेकिन टीम रिकॉर्ड के लिए आपको एज ए यूनिट खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खेल रहे, अब हर एक हफ्ते बाद आईसीसी की ईमेल आती है, उसमें हम पढ़ते ये इंडियन ने ये कर दिया, ये ऑस्ट्रेलियन ने ये कर दिया, ये न्यूजीलैंड ने ये कर दिया, इंग्लैंड ने ये कर दिया, यार कब तक, आखिर कब तक। इसमें इंडिया हर चीज में नंबर वन है यार, टेस्ट में नंबर वन, T20 में नंबर वन, ओडीआई में नंबर वन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नंबर वन, ऑन द वे टू प्लेइंग द थर्ड सक्सेसिव वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्योंकि उनका पॉइंट्स डिफरेंस इतना है दूसरी टीमों से कि वो आराम से तीसरा फाइनल भी खेल जाएंगे। ये होती है एक्सेलेंस कि आपकी टीम जो है वो हर जगह नंबर वन है। ये इंडिविजुअल प्लेयर्स से इतना मैटर नहीं करता यार, इंडिविजुअल प्लेयर्स ठीक है आपके पास दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन हो, लेकिन अगर आपकी टीम जो है वो नीचे टूटे लाइन लगी हुई है तो फिर फायदा क्या, मुझे बता दें आप यार। अगर आपकी टीम मतलब काउंट ना हो और टॉप ब्रांड्स में इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो फिर फायदा क्या है। आप मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वाई कांट वी रीच द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट की कमी है? क्या ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज है हमारी इन रिसेंट टाइम, सिवाय वो वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचने के, उसके अलावा है क्या हमारे पास यार? नहीं जी, वो तो हम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले और हम फाइनल खेले, हम एशिया कप का फाइनल खेले, अबे जीता नहीं जीता। अब बाकी फॉर्मेट्स में क्या हुआ? बुनता टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल टुडे लाइन हम नीचे, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल भी कोई उम्मीद नहीं कि हम फाइनल के करीब भी आएंगे, बांग्लादेश से भी हम नीचे हैं, वनडे में जो हाल हुआ वर्ल्ड कप में वो आपके सामने है। मतलब फिर यह है कि इस मुल्क में फिर इन लड़कों को कह दो कि भाई आप सब छोड़ दो टेस्ट क्रिकेट खेलना, छोड़ दो वनडे क्रिकेट खेलना, खेलो सिर्फ T20 क्रिकेट, बस खत्म करो फिर बात को। एरोगेंस की एक लिमिट होती है यार, एरोगेंस तो वो टीम दिखाए जो नंबर वन है हर जगह पे, वो टीम नहीं जो मतलब 8 मैच हार रही हो PSL में। भारत जो है वो नंबर वन हो गया है तीनों फॉर्मेट में, आज जो रैंकिंग्स आई हैं, तो वो जो लोग रैंकिंग का शोर मचाते हैं उनसे जरा मैं चाहूंगा कि वो तवज्जा दें इस बात पर कि इंडियन क्रिकेट टीम क्यों तीनों फॉर्मेट पर जो है टॉप रैंक पर विराजमान हो गया, आज तीनों फॉर्मेट में नंबर वन हो गया। हाँ, मुझे ये नहीं मालूम उनका कौन सा बैट्समैन नंबर वन है, मुझे ये नहीं मालूम कि T20 में कौन ज्यादा छक्के मारता है, कलेक्टिव एफर्ट से वो आज ICC रैंकिंग में नंबर वन हो गए हर फॉर्मेट में। यानी उन्होंने ये बता दिया कि हम तीनों तरह की फॉर्मेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। अच्छा, कितना सीरियसली? मैं देखिए, नंबर वन तो आज नहीं कल नहीं होना था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब टीम में आपके नंबर वन खिलाड़ी बनना शुरू हो जाए तो फिर टीम की बारी रहती है नंबर वन बनने की। हर किसी ने अपना रिस्पेक्टिव फॉर्मेट पकड़ा नंबर वन होने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार आपने टेस्ट में भी नंबर वन हो गए, ODI में हो गए, T20 में हो गए, तो मैं ये कह रहा हूँ वो तो परफॉर्मेंस बताती है, बगैर परफॉर्मेंस के नहीं आते, मगर ये जो इससे किस्सा छेड़ा है, मैं ये खिलाड़ी नालायक हो चुके हैं, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, इसकी वजह से लोग क्रिकेट देखने नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के खिलाड़ी है, शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में भारत का नाम रोशन किया है, और भारत को अभी हाल ही में जो टेस्ट इवेंट हुआ था उसमें भारत को शानदार जीत दिलाई दी। उसके बाद भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ हुई, और पाकिस्तानियों ने भी यही कहा जो भारतीय कह रहे थे कि भारत की टीम नंबर वन टीम है। पाकिस्तानियों ने एक और लाइन ऐड कर दी कि जो हम नहीं कर सके वो भारतीयों ने कर दिया। हुआ यूं था कि अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान का टूर किया था, पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बुरे तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया था, बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराया था और इनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि लोगों ने मैच देखने आना छोड़ दिया था उस टाइम। ऐसे में जब वही इंग्लैंड की टीम भारत आई तो भारत ने उसे व्हाइट वॉश तो नहीं किया, व्हाइट वॉश से वो चूक गई, लेकिन कसर नहीं छोड़ी हमने, हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक सुपरस्टार हमारी तरफ से निकलते आए फ्रेशर, और उन्होंने अंग्रेजों की रेल बना के दी थी, जिसका कि पाकिस्तान की टीम पर या पाकिस्तानियों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। वो भारतीयों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है, यहाँ इतना टैलेंट, हर मैच में नया खिलाड़ी आता है और वो नया रिकॉर्ड बना के चला जाता है। इस पर पाकिस्तानी भारतीय खिलाड़ियों के फैन हो गए थे। फिलहाल जो भारत की अचीवमेंट है इस पर भी पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं और जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हैं वो काफी भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर
घंटी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।